फ्रेंड, वेलकम बैक आस्था फैमिली ब्लॉग। और आज मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, इसके लिए थैंक यू। और अपने व्यूअर को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मेरे व्यूअर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसलिए आप सभी लोगों को थैंक्स इतना प्यार देने के लिए। और घर में आ रहा है मच्छर, क्योंकि बारिश का मौसम है और कहीं ना कहीं से एक आध मच्छर तो घर के अंदर आ ही जाता है। और आस्था देखिए क्या कर रही है, आस्था पी रही है दूध और पूरे फेस पे पाउडर पाउडर करके बैठी है। और आज हम कुछ लोगों का डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। तो ब्लॉगिंग तो आज किचन का नहीं था, फिर भी सोचे कि आज मार्केट जा रहे थे, थोड़ा बारिश आ रहा है बाहर, तो सोचे बैठ के थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दे सबका। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ से हैं, तो कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि आप इंडियन लगती हैं तो थाईलैंड में हैं। तो मैं बताना आज क्लियर कर दूंगी। पहले तो मेरा नाम जान लीजिए, जितने लोग नए हैं, जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम है दीपिका ओझा और मैं अपने मायके से थी दीपिका तिवारी, और शादी के बाद हो गई दीपिका ओझा। और मेरे हस्बैंड का नाम है गणेश ओझा। और आस्था को तो नाम जानते ही हैं, देखिए क्या कर दी, इसको पूरा टाइम पाउडर चाहिए, देखिए कितना पाउडर लेके बर्बाद करती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाए थे ना, 3 पैक पाउडर मंगाए थे, कल इसके पापा फिर 3 पैक पाउडर लेके आए हैं। बहुत पाउडर बर्बाद करती है, जितना लगता नहीं उससे ज़्यादा ये खेलने में बर्बाद करती है। देखिए अब ये पाउडर का बना रही है खिचड़ी, खीर बन रहा है बाबू, खाएगा पूछ लो, खाएगा सबको पूछ लो। जब तक आस्था का बन रहा है खिचड़ी, तब तक हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर दें। और कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि हम हैं कहाँ से, हम हैं इंडिया से, मगर शादी हुआ है थाईलैंड में, तो हम रहते हैं थाईलैंड में, और हम सिटीज़न भी हैं, इंडियन ही हैं। और मेरे हस्बैंड हैं यहाँ के सिटीज़न हैं, थाई के सिटीज़न हैं। और क्या क्वेश्चन था, हम इंडिया में कहाँ से हैं, हम इंडिया में हैं तो हमारे बाप दादा का घर जो है वो यूपी से है, और मेरे पापा यूपी गोरखपुर, और मेरे पापा जॉब करते थे झारखंड में धनबाद। तो हम लोगों का जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं से कंप्लीट हुआ है। और मेरी शादी यूपी से हुआ है, शादी के 1 हफ्ते पहले हम यूपी गए थे, वहीं से शादी हुआ है, अपने घर से जहाँ पापा जॉब करते थे वहाँ से शादी नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी है ना गोरखपुर से और धनबाद। और क्या क्वेश्चन था, हाँ किसी भैया का क्वेश्चन था कि आप ये यहाँ पे थाईलैंड में रहती है तो आपको बार बार इंडिया अप डाउन करना पड़ता होगा वीसा के चक्कर में, तो ऐसा कोई बात नहीं है भैया, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट वीसा नहीं लेके रहते हैं, हम लोग लेते हैं नॉन वीसा, हस्बैंड से एक बार आए हैं, जितने साल मन करे उतने साल रह सकते हैं, और कोई दबाव नहीं है कि आपको इंडिया रिटर्न जाना पड़ेगा फिर से वीसा लेके आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब तक मन है आप 10 साल रहो, 20 साल रहो, उसके बाद जाओ, आपका मन है तो आप 6 महीना में ही चले जाओ क्या। तो हम लोग साल में एक बार नॉन वीसा लेते हैं, हस्बैंड लोग हम लोग को वीसा देते हैं, तो हम लोग को यहाँ रहने का कोई टेंशन नहीं है। और आस्था पीछे से बोल रही है, हम लोग को रहने का यहाँ कोई टेंशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे बिंदास रहते हैं, और इंडिया जाने का भी मजबूरी नहीं है, आपका मन है तो आप जाइए, नहीं मन है तो मत जाइए। हाँ मगर वीसा लेते रहिए, और हम लोग को यहाँ पे 90 डेज अटेंडेंस देना पड़ता है, हर 90 दिन पे हम लोग को देना पड़ता है अटेंडेंस। तो पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन भी हो गया है, तो आप घर बैठे ही अटेंडेंस दे सकते हैं। और बीच बीच में छोटी है ना आस्था, तो वो डिस्टर्ब कर रही है। तो कहाँ तक बता दिए थे कि हाँ हम लोग को 90 दिन का हाजिरी देना पड़ता है यहाँ पे, और साल में एक बार वीसा लेना पड़ता है, वीसा के लिए हम लोगों को 1900 बार देना पड़ता है, हर साल यहाँ पे जमा करना पड़ता है, और हर साल हम लोग वीसा लेते हैं, इसके लिए हम लोग को डर नहीं रहता है। बहुत कोई यहाँ पे वीसा खट करके भी रहता है, वो तो उनको पुलिस पकड़ता है, इंडिया भेजता है, लेकिन हम लोग का वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग के पति यहाँ के सिटीज़न हैं, तो हम लोग यहाँ बिंदास रहते हैं, हम लोग को चिंता का बात नहीं है, हम लोग हर जगह घूमते हैं फिरते हैं। और क्या बता दें आप लोग को, जो कुछ क्वेश्चन आता है बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, तो हम सोचते हैं कि मैसेज में कितना लोगों को रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आप एक एक करके मैसेज करते हैं और मेरे पास ढेर सारा मैसेज जमा हो जाता है, और छोटी बच्ची है, घर का काम है, तो हर लोगों का हम मैसेज का रिप्लाई करते हैं लेकिन पूरा डिटेल नहीं दे पाते हैं, इसके लिए हम सोचें एक छोटा सा ब्लॉगिंग कर देते हैं इसके ऊपर।
बोल दो। ये आस्था आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हैं इसीलिए हमको परेशान कर रही है। बता दो क्या बोलना है। ये देना है खाने को, दे दो दे दो खाने को, ये खाने को दे रही है, दे दो खिला दो। बोल दो आम, वो लेकिन खाओ। बता दो ये क्या है, बोल दो किन खाओ, कर दो सबसे पूछ लो, सब खाना खाए हैं, पूछो ओ माय किन खाओ यांग, पूछो पूछो किन खाओ यांग, पूछो यू यू यू। अच्छे सबको बड्डी कर लो, अच्छे से बड्डी करो, अच्छे से करो, और जय भी कर लो, जय भी करो, जय। और हमको यहाँ आए हुए 3 साल, सितंबर में 3 साल हो जाएगा कंप्लीट, चौथा साल लग जाएगा। अगर ये बीमारी कोरोना नहीं आया होता तो हम अभी तक इंडिया से रिटर्न भी आ गए होते जाके, मगर बीमारी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा आने जाने का टेंशन भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से हम इंडिया नहीं गए हैं। लेकिन अब मजबूरी हो रहा है, जाना पड़ेगा थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि 3 साल हो गया ना इंडिया गए, तो जाएंगे, देखते हैं 6 महीना से 7 महीना के अंदर इंडिया आएंगे, थोड़ा बीमारी हल्का हो जाए, क्योंकि अभी थाईलैंड तो बहुत ज़्यादा बीमारी है, थाईलैंड में बहुत ही ज़्यादा बीमारी है। और यहाँ पे हम लोग सोचे थे कि लॉकडाउन शटडाउन खुलेगा, नहीं, डेट और भी बढ़ गया है, और मॉल वगैरह में जितनी भी बाहर की चीज़ें थी सब बंद हो गई, बस सिर्फ मिलेगा तो क्या, घर का सामान, खाने पीने का ही सामान मिलेगा और कुछ नहीं, ना ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं, मेकअप सेकअप कुछ नहीं मिलेगा, सब बंद है, टोटल बंद कर दिया गया है मॉल में। बस अब जाइए घर का सामान लेके आइए, और पूरा फैमिली भी नहीं जाना, घर का एक आदमी जाएगा, घर का सारा सामान लेके आएगा। और मार्केट मंडी भी देख रहे हैं, एक आध दुकान लग रहा है, 2-4 दुकान लग रहा है, ऐसे लग रहा है, नहीं तो पहले तो पूरा मंडी भरा हुआ रहता था। और अभी हमको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे तुलसी का पत्ता ख़त्म हो गया है काढ़ा में डालने के लिए, और वो धनिया का भी पत्ती लेना है, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, हल्का बारिश आ रहा था, शायद ख़त्म हो गया है, अब चलेंगे हम नीचे। अगर आप लोगों को भी मार्केट चलना है तो चलिए घूम के आते हैं, उसके बाद इस ब्लॉग छोटा सा ही एक ब्लॉग हम डाल देंगे, क्योंकि आप लोगों को जितना भी जानकारी चाहिए, जितने लोग नए जुड़े हैं तो वो लोग नहीं ना जानते, अब पीछे पता नहीं पीछे का वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, कन्फ्यूज़ हैं। कुछ थाईलैंड की बातें होती है, कुछ इंडिया की बातें होती है, ये हैं कहाँ की, थाईलैंड की हैं कि इंडिया की हैं, तो भैया हम हैं इंडियन, रहते हैं थाईलैंड में, और वीडियो आप लोग जो देखते हैं वो भी है पूरा थाईलैंड का ही। चलिए अब हम लोग चलते हैं मार्केट, रास्ते में मिलेंगे और मार्केट में मिलेंगे, चल आस्था। और फ्रेंड देखिए, जैसे ही हम लोग घर से बाहर आए, मोड़ तक आए, अपने गली के मोड़ तक, बारिश बहुत ज़ोरों का आ गया, इसके लिए हम लोग एक गैराज है वहाँ पे छुपे हुए हैं, ये देख सकते हैं। अब जब बारिश बंद होगा तभी तो निकलेंगे, और आज जिद कर रही है चलो, नहीं बाबू बारिश है, तबीयत खराब हो जाएगा, अच्छा यहीं खेलो, यहीं खेलो, यहीं खेलो, कुछ छूना नहीं, खेलो, और बारिश तो दिखेगा नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा बारिश। जब घर पे थे तो बारिश थोड़ा थोड़ा था, जब निकले तो बंद था, और जैसे ही बाहर आए वैसे बारिश स्टार्ट हो गया, वो भी जोर का। रुको, रेनकोट थोड़ी लेके आए कि जा रही हो, बारिश का लग रहा हम लोगों से दुश्मनी था, घर से निकले तो इतना जोर का हो गया, ना घर जा सकते हैं ना मार्केट जा सकते हैं। ये हुआ है शाम का वक्त, ऑफिस का सबका छुट्टी हुआ होगा इसीलिए ये गली के रोड में भी इतना गाड़ी आ रहा है। और ये देखिए इन लोगों का मार्केट तो हो गया, ये कौन है, कौन है, कौन है बेटा, और यहाँ पे आ रहा है एम्बुलेंस, हो रहा है, कैमरे में अच्छे से आता नहीं है बारिश।
बारिश रुक रहा है नहीं और आज तक मस्ती भी रुक रहा है नहीं। अभी देखिए इसको हम उल्लू बनाते हैं। आस्था आस्था वो भगवान है, जय कर लो जय कर लो जय करो जय। अब पूजा भी उनका कर दो, उनका पूजा कर दो। यस आस्था को सुबह शाम पूजा करने का आदत है ना। आस्था फिर से जय करो, अच्छे वाला जय करो, अच्छा वाला जय। और भी भगवान जी को जय कर दो। आस्था को कोई भी मूर्ति दिखा के बोल लीजिए वो भगवान है, आस्था जय करेगी। और जय कर लो। बारिश में कुछ काम तो है नहीं, बारिश रुक गया है, हल्का हल्का हो रहा है, अभी कम हो जाएगा तब हम लोग निकलेंगे। और करना है अब आस्था का जय स्टार्ट हो गया है, जय जय होते रहेगा। वो भगवान है ना बेटा, भगवान है ना, भगवान जी को हाय भी कर लो। मास्क ऊपर करो, मास्क ऊपर कर लो। हम लोग को इधर ही छुपना पड़ेगा कहीं, क्योंकि बारिश आ रहा है जा रहा है, हम लोग दौड़ बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। मार्केट में पानी भर रहा है, धीरे चलो। अरे मंडी का नज़ारा देख लीजिए, सारा दुकान बंद पड़ा है, बस एक दो भाजी का दुकान लगा हुआ है, नहीं तो ये एक भी आपको खाली नहीं दिखेगा, एक भी नहीं। क्या रास्ता को देखिए, पानी देखते ही रास्ता तबीयत खराब हो जाएगा, पानी में भींगी तो। सारा मार्केट खत्म हो चुका है कोरोना की वजह से, बस एक दो सब्जी का दुकान आपको मिल जाएगा, वो ले लीजिए। चलो और हम आ चुके हैं मार्केट में, और यहाँ से हम लेंगे कुछ सामान। चलो आज से धीरे से सटना नहीं, धीरे 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 धीरे। धीरे से रास्ता ज़्यादा परेशान करने लगी है अब। चलो और ये देखिए धनिया का पत्ती, ये इंडिया वाला है और ये चाइना वाला है। छूना नहीं, तुम नहीं छूना, मम्मी छू रही है ना। ये ले ली धनिया का पत्ती और वो तुलसी का पत्ता, हटो। और ये रहा तुलसी का पौधा, और ये ऐसा क्या ले रही है, तुम क्यों ले रही है। मस्ती नहीं करते हैं। हम हमेशा इन्हीं की दुकान से लेते हैं। ओ और क्या ले लिया था, और क्या लेगी, कुछ नहीं। और ये पक्का वाला तो खाना नहीं है, ठंडा है। ये देखिए क्या मिल रहा है, चलो इधर से चले तुम्हारे खाने के लिए, कुछ लेंगे नहीं बाबू, बाहर का नहीं खाना ना। और इतना बस देख लीजिए, इतना ही मार्केट लगा है, मार्केट बस इतना ही सा लगा है, नहीं तो पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे ये मार्केट पूरा भरा रहता है पूरा। चलो साइड से निकल लो, साइड से, पानी कम है, घर निकल चलते हैं। और यहाँ पे खड़ा है एम्बुलेंस, शायद यहाँ पे कोई पेशेंट होगा, क्योंकि अभी एम्बुलेंस का भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा है। और फ्री सेवा है यहाँ पे, और यहाँ पे सभी अभी यहाँ के राजा क्या किए हैं, सभी का कोरोना में अगर कोई भी बीमार है ना, सभी को फ्री कर दिए हैं, एम्बुलेंस फ्री, हॉस्पिटल फ्री, सब कुछ फ्री है कोरोना पेशेंट के लिए। आशा धीरे चलना है, गिर जाओगी। और आज रात को फिर हम ब्लॉग डालेंगे शॉर्ट वीडियो का। और यहाँ के खरीद रहे सब्जी,
धीरे चलना है, आस्था गाड़ी आएगा, धीरे आ जाओ। अब हम लोग फटाफट भागेंगे घर और ये छोटा सा ब्लॉग डाल देंगे। चलो भाग, चलो भाग, चलो। और ये रहा 7, आप लोग तो देखे ही हैं। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं और हम आस्था को लेके चलते हैं घर और आपसे मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे कुछ खरीदने खाने लायक है नहीं बीमारी में, बस घर का खाइए। चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और करते हैं, बाय बाय।